बिग बॉस के घर में पहले ही दिन अविनाश ने क्यों घसीटा आखिर रूबीना का नाम? क्या कुछ कहा है भाई उन्होंने रूबीना को लेकर? यहाँ तक कह दिया है कि उसने और मैंने, तो क्या कुछ कहा है पूरी बात, पूरा स्टेटमेंट अविनाश का, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर, लेकर हाजिर हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। बिग बॉस शुरू हो चुका है OTT सीजन 2 और जैसी उम्मीद थी हंगामे भी शुरू हो चुके हैं। OTT में अविनाश सचदेव नज़र आ रहे हैं और अविनाश की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं रूबीना, और कहा जा रहा था जैसा कि भाई रूबीना के बारे में बहुत सारे खुलासे, जाहिर सी बात है वो करेंगे, अपने और रूबीना के रिश्ते के बारे में भी बात करेंगे, और ये उन्होंने पहले ही एपिसोड में करना शुरू कर दिया। जी हाँ, अविनाश पहले ही एपिसोड में घर में बात करते हुए नज़र आए रूबीना के बारे में। क्या कुछ उन्होंने कहा रूबीना के बारे में, चलिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। दरअसल अविनाश पहले तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पलक के बारे में बात करते हुए नज़र आए, जो भी इस शो का हिस्सा हैं, और उसके बाद ये बातचीत पहुँची रूबीना पर, और उन्होंने कहा कि भाई रूबीना और मैंने तो बहुत वक्त साथ बिताया है, हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से तो रूबीना को अभिनव भी नहीं जानता होगा जितनी अच्छी तरह से रूबीना को मैं जानता हूँ, जितना वक्त मैंने और उसने साथ बिताया है इतना वक्त तो कोई साथ आज के दौर में बिताता ही नहीं है, इस तरह की बातें कहने लगे अविनाश जो हैं रूबीना के बारे में। घर के बाकी सदस्यों से बात करते हुए वो आए हैं नज़र, लाइव फीड में ये देखने को मिला है, यानी कि रूबीना के नाम का जिक्र हो चुका है शुरू। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब कोई कंटेस्टेंट घर के अंदर है और उसके एक्स का नाम लिया जा रहा है। लास्ट सीज़न शालीन भनोत जब बिग बॉस के घर के अंदर थे तो दिलजीत के नाम को बार बार लेने की वजह से दिलजीत ने काफ़ी कुछ मीडिया में स्टेटमेंट्स भी दे डाले थे, तो अब देखना होगा कि क्या इस बात से रूबीना को भी फ़र्क पड़ता है कि उनका नाम घर के अंदर उछल रहा है या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।